देवास के विजयनगर में पिछले दिनों हुए अंकित ठाकुर की हत्याकांड को लेकर सिविल लाइन थाना पुलिस ने रविवार को पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर 3 आरोपी मनीष कारपेंटर, मुकुल भाटी और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। यह तीनों बाइक से मृतक के घर पहुंचे थे और चाकू से उसकी हत्या कर दी थी। मृतक और आरोपी आपस में अच्छे दोस्त थे, पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और इनकी रंजिश चल रही थी, उसी के चलते उन्होंने उसकी हत्या कर दी। कौन से थाना क्षेत्र की घटना थी, कब की थी और क्या कुछ जो है आपने खुलासा किया? देखिए, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक घटना हो गई थी। उस घटना में अंकित राजपूत नाम के युवक की उसी के घर में आके किसी ने हत्या कर दी थी। ये एक सनसनीखेज और ये बहुत ही एक घिनौना क्राइम था। इसको सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक बार फिर से 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है और सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज उनको न्यायालय में पेश किया। क्या वजह थी सर हत्या को अंजाम देने के पीछे? ये सभी लोग दोस्त थे, दोस्तों के बीच में आपस में इन्होंने रंजिश पाल ली थी। 2 साल पहले एक जो इन्होंने आपस में लड़ाई हुई थी, उसी की रंजिश को लेकर इसने चाकू मारा और चाकू से उसकी हत्या हो गई। कैसे आरोपियों तक पहुंची पुलिस? ये बहुत महत्वपूर्न है कि हम आरोपियों तक सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पहुंचे हैं, जो अन्य किसी के घर में किसी के प्रतिष्ठान में लगा हुआ था। मेरा सभी से आग्रह है कि अपने सभी घरों में, सभी प्रतिष्ठानों में आप सीसीटीवी कैमरे लगाएं। उससे न केवल आपकी खुद की सुरक्षा होती है, उससे अन्य आरोपियों को पकड़ने में, अन्य क्राइम्स को प्रिवेंट करने में, रोकने में सफलता मिलती है। हत्या में प्रयुक्त जो हथियार है वो और एक बाइक जब्त की गई, क्या है? 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त बाइक, जो मोटरसाइकिल जिस पर सवार होकर ये लोग आए थे, और एक चाकू जो उसमें काम में आया था, वो भी बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग है। एक आरोपी नाबालिग है इसमें, 2 बालिग आरोपी हैं। और इस क्राइम को सॉल्व करने में जो हमारी टीम लगी हुई थी, थाना प्रभारी सिविल लाइन और उनके सब इंस्पेक्टर्स और उनकी टीम, उन सभी को प्रोत्साहित करने हेतु 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई है। थैंक यू सर। थैंक यू।